मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन मोदी फ्रॉम नाहर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ डूमेन नेम एंड द टाइप्स ऑफ डूमेन नेम्स। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आपका बिलोंग करता है क्लास 12 से, क्लास 12 के सब्जेक्ट इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस से। तो चलिए स्टूडेंट, इस टॉपिक को हम लोग जानते हैं। हम लोग इसमें आज दो चीज़ों को जानने वाले हैं, डोमेन नेम होता क्या है और डोमेन नेम कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन डोमेन नेम के मीनिंग से। डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम इज़ अ यूनिक नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन दैट हेल्प्स टू क्रिएट द पार्ट टू ओपन पर्टिकुलर वेबसाइट। Whenever we have to communicate with the computer on internet, we can do so by using its IP address. अगर मैं डोमेन नेम की बात करूँ तो डोमेन नेम क्या होता है? एक यूनिक नेम होता है। यूनिक मतलब कि अलग, बाकियों से अलग जो होता है उसे हम यूनिक कहते हैं। यूनिक नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन, जिससे हम क्या कर सकें, चीज़ों को पहचान सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। एक यूनिक नेम होता है, नेम का मतलब नाम। जैसे आपका कोई नाम होता है उसकी वजह से आपको पहचाना जाता है, तो वो आपकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। दैट हेल्प्स टू क्रिएट द पाथ टू ओपन पर्टिकुलर वेबसाइट, इसकी हेल्प से ये हम लोगों के लिए एक रास्ता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकें, किसी वेबसाइट को ओपन कर सकें। स्टूडेंट्स, अगर मैं पहले की बात करूँ तो इन ऑल टाइम्स जब हम लोगों का इंटरनेट बिल्कुल नया नया आया था, तब जो भी आपको वेबसाइट्स होती थी ना, जैसे अभी हम लोगों के वेबसाइट एड्रेस होते हैं .net.in, इस टाइप के हम लोगों के एड्रेस होते हैं mp.mpbot.in, इस टाइप के जो एड्रेसेस होते हैं, पहले ये एड्रेसेस नहीं होते थे। जब भी किसी मुझे वेबसाइट को ओपन करना होता था ना, तो उसका आईपी एड्रेस डालना होता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था याद रखना। हर एक वेबसाइट का अलग अलग आईपी एड्रेस, उसे याद रखना कितना मुश्किल होता था। उसे इजी कर दिया है डोमेन नेम ने, क्योंकि अब हम लोगों ने डोमेन नेम का यूज़ किया है, जिसे हम आईपी एड्रेस की जगह अब हम लोग वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं और उससे इजीली किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। बट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू रिमेंबर द आई पी एड्रेस ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स वन में हैव टू कम्युनिकेट विथ। पर लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं सोचूँ तो जो उसका आई पी एड्रेस है, हर एक व्यक्ति को इतने आई पी एड्रेस याद रखना कितना मुश्किल है। किसी भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए उसे उसका आई पी एड्रेस ध्यान रखना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल होता था। इसलिए डोमेन नेम का आविष्कार किया गया, और जब से डोमेन नेम आया तो हम लोगों को वेबसाइट का नाम डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे edu जिसका मतलब एजुकेशन होता है, आपने देखा होगा। mp board हम सर्च करते हैं तो mp board पे आप लोगों ने सिर्फ mp डालते हैं, मध्य प्रदेश तो नहीं डालते, तो उसके अंदर हम लोग कैसे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स आ गए, जिससे हम लोग इजीली चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। देयरफॉर अ सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड व्हिच असाइंस नेम्स टू सम कंप्यूटर्स वेब सर्वर्स एंड टू मेंटेन्स अ डेटाबेस ऑफ दिस नेम्स करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। दिस नेम्स आर कॉल्ड डोमेन नेम्स। अगर मैं बात करूँ इन सिंपल वर्ड्स, डोमेन नेम क्या है? पहले वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए उसके आईपी एड्रेस का यूज़ होता था, मतलब कि जो नंबर्स में कोड होता था उसका यूज़ किया जाता था, जिससे हर एक वेबसाइट का नंबर याद रखना, रिमेंबर करना बहुत मुश्किल था। इन दैट केस डोमेन नेम हैज़ टू आइडेंटिफाइड। डोमेन नेम की शुरुआत हुई, डोमेन नेम को पहचाना गया, और उसके बाद से हम लोगों का वेबसाइट नेम का हम लोगों का किस में लेटर्स में आने लगा। जैसे एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर लिया है, एग्जांपल्स ऑफ सम डोमेन नेम्स आर cbse.net.in, indianrailway.gov.in। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने किससे लिए, नेम से लिए। अगर मैं बात करूँ, पहले जो आईपी एड्रेस होते थे वो आपके नंबर्स में होते थे, जिन्हें याद रखना बहुत मुश्किल होता था। देन हम बात करें टाइप्स ऑफ डोमेन नेम्स। डोमेन नेम्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के आपके डोमेन नेम्स होते हैं, जेनेटिक टॉप लेवल डोमेन नेम्स एंड कंट्री लेवल डोमेन नेम्स। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पहले टाइप से। टॉप लेवल डोमेन नेम या जेनेटिक कौन कौन से होते हैं? जैसे .com, .edu, .gov, .net, .int, .org, .com से मतलब एक कमर्शियल पर्पज़ से मैं यूज़ कर रही हूँ तो .com लगाना होगा किसी के पीछे, जैसे आपने कितनी ही वेबसाइट्स के पीछे .com लगा हुआ देखा होगा। .edu अगर मैं एजुकेशन पर्पज़ से सर्च कर रही हूँ तो मुझे .edu का यूज़ करना होगा। गवर्नमेंट पर्पज़ से मुझे सर्च करना है, गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी के बारे में मुझे सर्च करना है, .gov डालना होगा। नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ भी सर्च करना है, नेट से रिलेटेड, तो मैं उसके अंदर .net डाल दूंगी। इंटरनेशनली अगर किसी चीज़ के बारे में मुझे पता करना है .int,
टॉप लेवल डोमेन नेम्स आपके डॉट के बाद में तीन वर्ड्स होते हैं, कितने वर्ड्स होते हैं, तीन वर्ड्स या तीन लेटर्स होते हैं आपके डॉट के बाद में। पर लेकिन अगर मैं उसकी बात करूँ कंट्री डोमेन्स की, तो उसमें आप लोगों के डॉट के बाद टू ही लेटर्स होते हैं। तो ये आप लोगों के सारे क्या कहलाते हैं, जेनेटिक टॉप लेवल डोमेन नेम्स कहलाते हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स आप लोगों के बहुत सारे, पर लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ नेम्स ले लिए। ओके चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं कंट्री टॉप लेवल डोमेन नेम्स कौन कौन से हैं। जैसे कंट्री के नाम के लिए क्या क्या यूज़ किया जाए, डॉट इन, डॉट इन मतलब होता है इंडिया, डॉट यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, डॉट यूके यूनाइटेड किंगडम, डॉट जेपी जापान, डॉट एचके हांगकांग, डॉट एफआर फ्रांस। ये सारे आपके क्या होते हैं, कंट्री टॉप लेवल डोमेन नेम्स होते हैं। ये सारे डोमेन नेम्स का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे चीज़ों को या वेबसाइट्स को सर्च करना बहुत ईजी हो जाता है। मैं भी स्टूडेंट आप लोगों को दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियरिफाई होंगे, हो गए होंगे। दो चीज़ें आज हम लोगों ने जानी, डोमेन नेम का मीनिंग, डोमेन नेम के अक्सर हम देखा जाए तो नेसेसिटी भी हम लोग जान चुके हैं इसमें कि उसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम लोगों को ताकि हम लोग वेबसाइट इजीली सर्च कर सकें, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें टैग्स को डिस्कस किया है, मैं भी आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से क्लियरिफाई हो गई होगी। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। ओके गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।